हेलो दोस्तों, आज का ब्लॉग उदयगिरी का ब्लॉग है। अंडागिरी से बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा कैब है। यहाँ उदयगिरी जाने के लिए टिकट करना पड़ता है, जो कि 25 रुपया लगता है। एंजॉय टाइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिए। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, वीडियो का एंड तक बने रहिए। अभी हम लोग जाएंगे उदयगिरी। उदयगिरी जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है, तो अभी रोड पार होके जाएंगे हम लोग। यहाँ से सावधानी से जाना होगा। यहाँ से टिकट करके जाना पड़ेगा। भाई टिकट कितना का? 25 रुपया। 25, ठीक है, हम 25 रुपये दे के टिकट खरीद लेंगे, उसके बाद जाएंगे। यह है उदयगिरी का पूरी सूचना। यहाँ उदयगिरी और खंडगिरी का बारे में सब लिखा गया है, चाहिए तो वीडियो को पुश करके पढ़ सकते हो। ये देखिए दोस्तों, कितना बड़ा बड़ा कैब है। ये एक लड़की है, एक पर्यटक, वो घूम घूम के देख रहे हैं, फ़ोटो भी खींच रहे हैं। और आगे जाके हम लोग दिखाएंगे बाजा का घर, जो कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट घर होता है शायद। मुझे तो ये देखिए बाजा का घर, मुझे उतना मालूम नहीं, शायद वही ही होगा जो म्यूजिक का घर है, वही होगा। दोस्तों उदयगिरी आप लोग देखा नहीं तो आ जाइए, देख लीजिए। दोस्तों यहाँ भी पर्यटक है, ये देखिए। और कैब तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है मुझे। अगर आप देखा नहीं तो आ जाइए, जो कि यहाँ उड़ीसा का भुवनेश्वर में पड़ता है। दोस्तों ये गुम्फा बहुत ही पुराना गुम्फा है, जो कि राजा खरवेलो राजत्व कर रहा था उसी समय का है ये। यहाँ दो गुम्फा है, जो कि अड़कापुरी और छोटा हाथी गुम्फा है। ये देखिए, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। उदयगिरी में छोटा बड़ा मिलकर ढेर सारे गुम्फा हैं, उनमें से एक पातालपुरी गुम्फा है, हम अभी दिखाएंगे। शायद वो पाताल को जाने के लिए रास्ता है। ये देखिए पातालपुरी गुम्फा। दोस्तों इतने सारे गुम्फाएं हैं, एक वीडियो में हम लोग पूरी नहीं की सकते, इसलिए इसका उदयगिरी का दूसरा पार्ट भी हम लेकर आएंगे। उसी वीडियो पे हम लोग दिखाएंगे उदयगिरी का सबसे बड़ा गुम्फा, जो हाथी गुम्फा है, उसी को दिखाएंगे। यहाँ है ठाकुरानी का गुम्फा, जो कि देवियाँ कहते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसका साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करने के लिए ना भूलिए। इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर देख लीजिए। अभी मैं सबसे बड़ा गुम्फा के पास जाने वाला हूँ।